धर्मशाला बाजार स्थित जटाशंकर गुरुद्वारा में मंगलवार को गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व को समर्पित रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रक्तदाताओं ने अपने स्वेच्छा से रक्तदान किया। जिसके संबंध में जटाशंकर गुरुद्वारा के अध्यक्ष जसपाल सिंह ने बताया कि रक्तदान शिविर हर महीने आयोजित होता है तथा लोग स्वेच्छा से अपना रक्तदान करते हैं। उन्होंने कहा, यह रक्तदान शिविर 2015 से लगातार आयोजित होता आ रहा है। मंगलवार को 25 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया है। उन्होंने बताया कि अभी तक 100 से ज्यादा रक्तदान शिविर आयोजित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि रक्तदान से किसी तरह की कमजोरी नहीं होती है तथा एक व्यक्ति रक्तदान करके 4 लोगों की जिंदगी बचाता है। उन्होंने कहा कि सभी व्यक्तियों को अपने जीवन में साल में कम से कम 2 बार रक्तदान जरूर करना चाहिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जटाशंकर गुरुद्वारा के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह ने कहा, जसपाल सिंह अध्यक्ष गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर। ये रक्तदान शिविर आज जो चल रहा है हमारा, हर माह ही होता है। आज का रक्तदान शिविर स्पेशल है क्योंकि श्री गुरु नानक देव महाराज जी के प्रकाश पर्व को समर्पित है और सुबह से रक्तदान शिविर चल रहा है। 25 लोग अभी तक कर चुके हैं और अधिक अभी लोग आ रहे हैं। रक्तदान शिविर चल रहा है हमारा, कितने सालों से करते हैं? ये हमारा पिछले कई सालों से रक्तदान शिविर चल रहा है। पहले हमारा 2015 से स्टार्ट हुआ था रेगुलर में, तो हर 3 माह में होता था। सन 2019 में श्री गुरु गोरक्षनाथ ब्लड बैंक में एक मोबाइल वैन आ गई जो कि सामने खड़ी है। जब से ये वैन आई है तब से हमारे वहाँ हर माह कम से कम एक रक्तदान शिविर जरूर आयोजित होता है और हम 100 से ऊपर रक्तदान शिविर आयोजित कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे रक्तदान शिविर में सभी धर्म संप्रदाय के लोग आते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हमारे रक्तदाता हैं और नानक का जो सर्व सांझीवालता का सिद्धांत था वो हमारे इन रक्तदान शिविरों में कोई भी आके देख सकता है। यहाँ पर सभी धर्म के लोग दिखाई देंगे और जिस तरह से हमारे पास रक्त लोग इकट्ठा करते हैं उसी तरह से हम लोग बिना किसी भेदभाव के किसी भी ज़रूरतमंद लोगों को बिना किसी जात पात देखे हुए रक्त प्रवाहित करते हैं। और हम कहते हुए खुशी भी हो रही है कि हम कम से कम गोरखपुर 3500 लोगों को ऊपर लोगों को रक्त प्रवाहित करवा चुके हैं। जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं? जो लोग रक्त नहीं प्रवाह किए आज तक इतने प्रचार प्रसार के बाद, उनसे मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि जब आप रक्त, हमारे शरीर में रक्त निरंतर बनता रहता है, जब आप रक्तदान करते हैं तो आपके शरीर से जो रक्त निकाला जाता है वो रक्त सिर्फ 24 घंटे के अंदर पूरा हो जाता है और उसकी क्वालिटी 21 दिन के अंदर मेंटेन हो जाती है। आपके रक्तदान करने से 4 आदमी का जीवन बचाया जा सकता है और आपको अपने इस रक्तदान से करने से अनेक प्रकार की बीमारियों जैसे हार्ट अटैक, कैंसर, इन सब बीमारियों से, कई गंभीर बीमारियों से बचाव हो सकता है। और जब आप रक्तदान करते हैं तो हर 3 माह में आपकी एक जांच होती है, वो एकदम फ्री होती है, जिसमें आपको कई चीज़ें अपनी गंभीर बीमारियों का पता लग सकता है। और जब आप रक्त करते हैं तो आपके अंदर एक नई चेतना उत्पन्न होता है। एक दफ़ा आइए हमारे कहने से, रक्तदान कीजिए, आपको कितना गर्व अनुभूत होगी, आपके ये खुशी महसूस होगी कि आपकी वजह से 4 लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। रक्तदान से कोई बड़ा दान नहीं है, इसलिए सबसे निवेदन है कि कम से कम प्रतिवर्ष 2 बार तो रक्तदान अवश्य किया कीजिए। कम से कम शादी में, अपनी शादी की तिथि पर, या स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर, या ऐसे ही कोई दिन चुन लीजिए। वैसे तो आप हर 18 वर्ष से 65 आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति हर 3 माह में नियमित रूप से ब्लड दान करेगा तो उसको कई गंभीर बीमारियों से बचाया जा सकता है। आप अगर 3 माह में नहीं करना चाहते हैं
तो कम से कम प्रतिवर्ष दो बार तो रक्तदान कीजिए। ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि हमारी जनसंख्या 130 करोड़ से ऊपर हो गई है और हमको 1,20,000 का यूनिट की ब्लड की जरूरत होती है, वो हम खुद नहीं पूरा कर पाते। हमारी कुल जनसंख्या का 1% भी स्वैच्छिक रक्तदान नहीं करती है। जिस दिन हमारी कुल जनसंख्या का 2% रक्तदान करने लग जाएंगे, तब किसी को रक्त के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आज पोजीशन ये है कि जब आपको रक्त चाहिए होता है तभी रक्त की कीमत पड़ता होती है, तब आप इधर उधर भटकते रहते हैं। हमारा प्रयास है गोरखपुर के ब्लड बैंकों को हम अपने रक्तदाताओं के रक्त से भर दें कि जब भी कोई आए तो उसको रक्त के लिए परेशान ना होना पड़े, उसको फौरन रक्त मिल जाए।